उदना होला बिटुला मैं तको कटला होला। हो कागज पर से ये ध्यान था खूब ना दवाई। हां अब रोज आना है। नाम क्या आपका? पक्का बटन नहीं खोल सकता सब बात। तो ना दगड़ियों बहुत टाइम बटन की कमेंट आना चला फ्रॉम दुबई आप चश्मा का बनिन। तो भाई देखा चश्मा आएगी मेरा पर। हाँ जी दगड़ियों की हाल चाल छे ना आप लोगों का एकदम स्वस्थ होला मस्त होला बड़ा काम व्यस्त होला। तो सबसे पहले आपसे दगड़ी थे मेरे प्यार व नमस्ते। मैं महेश भंडारी नए दिन की नए सूरत और अपने नए ब्लॉग में आपसे दगड़ियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत कर दूँ इन पहाड़ों की खूबसूरत वादियों से। तो दोस्तों आज नज़ारा आप लोग दिखने लगे होला बहुत ही घाम लग गया लगातार दगड़ियों 3-4-5 को लगातार बरखा है और बहुत तेज बरखा आने की वजह से दोस्तों ब्लॉग में भी थोड़ा सी मजा नहीं आने में। तो दोस्तों क्या बोला स्वस्थ होला मस्त होला। तो बहुत लोगों का कमेंट आना रहा था कि हिंदी में बनावा हिंदी में बनाओ। तो मेरे प्रयास कह चुके मैं हिंदी में ब्लॉग बना लूँ और आज फिर से दगड़ियो प्रयास करूँ चाहिए कि गढ़वेल में बनो लेकिन बहुत लोग बना चाहिए कि आप लोग गढ़वेल में भी बना के लिए आप लोग गढ़वाल में मरा तो गढ़वेल में भी वीडियो बना। तो दोस्तों आप लोगों ने पौड़ी वाले व्लॉग में बहुत अच्छे से कमेंट कहने बहुत अच्छी लगी। बहुत लोगों ने बोले कि विकास कार्य क्यों इंच पौड़ी में। तो आप लोगों ने देख ही ले लो कि विकास कार्य की क्यों ऊंचा दिखने वाला। बाकी दोस्तों मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो कि आजकल तबीयत ख़राब हुई है तो मैं भगवान बद्री विशाल से यही प्रार्थना करूँ लूँ कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएँ जल्द से ठीक हो जाएँ और मेरे व्लॉग फिर से दिखें। दगड़ियों आज मौसम की बात कर लूँ तो देखो दूर दूर पहाड़ी में आज बढ़िया से घाम है आया धुंध लगी जाने के लिए उन्हें देखो मौसम थोड़ा कभी चेंज हो जा तो उन्हें आजकल भाई साहब बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी थी और इन्हें देखे हमारा घर में थोड़ा बहुत घाम है गया तो लगभग 10:30 सेकेंड टाइम। तो दोस्तों थोड़ा बहुत घर में भी घाम है गया और इन्हें जो हमारा बकरू और बछूर छ तो बढ़िया से घाम तपना छिन। तो ना दगड़ियों बहुत टाइम बटन की कमेंट आना था लव फ्रॉम दुबई आप चश्मा का बनिन। तो भाई देखा चश्मा आएगी मेरा पर थोड़ा सा चश्मों में भी फ़र्क छ जो ये वाला आँख थी यहाँ की थोड़ी सी नंबर बढ़ी तो दिखने वाला आप लोग चश्मा थोड़ा अजीब से लगना था पर बड़ा बने मेरे ई बार और अभी आँख सेट नहीं निकले कि नई नंबर छ थोड़ा सा चश्मों को नंबर बढ़ के छो। तो लव फ्रॉम दुबई वालों ने बोल छो कि कब आएंगे आपके चश्मे हम बल दुबई से आपकी वीडियो देख रहे हैं। तो देखिए मेरे वीडियो चश्मे भी छिन्न और थोड़ा सा फ़र्क छ बहुत टाइम पहले चश्मा आगे छा पर मैं आप लोगों को थे आज व्लॉग में दिखाना छो। देखिए दगड़ियों आज सुबह सवेर माना बिस्तर घाम पर सुगाड़ों को डालने गया कि लेकिन ना 2-3 4 दिन की जो बर्फ छा हुआ थोड़ा सा ना बिस्तर इन ठंडा सा वेगे छा तो आज माँ हूँ थे कि घाम पर सुगाड़ों को डाली जा। अब देखिए ये हमारे घर तो आजकल ना घाम बहुत लेट आना चाहते कम बहुत ज़्यादा ठंड से देख सकन आप लोग चेहरे तरफ हुए ना देखिए तो थोड़ा सा इना की वजह से ना थोड़ा जो घाम छा वो थोड़ा सा लेट आंदा। तो बाकी एक ज़्यादा ठंड से कि हालत ख़राब हो जाए दगड़ियों देखना होगा आप लोग। हेलो दगड़ियों आप लोग के जल्दी वाला राज खुशी वाला हम घाम सेकना था इतना हम ठंड मरे 5-6 दिन बड़े ही बरखा लगे लगातार बरखा कोई अड़े इन कोई अड़ लगी चाहिए दिक्कत की दिखाने को नहीं छो। आज हम भीतरी भीतर छा बैठे तो आज हम घाम सेकना था आज हम अपना काम का जो पर व्यस्त हो गया। तो अगर आप लोग दिख लिया तो शेयर करें लाइक करें जरूर बताया। देखा आप लोग के कन चश्मा लिया है मेरे नाना का एक में कम दिखाना था एक में ज़्यादा दिखाना चाहते इनका महंगा चश्मा लिया है मेरे का 1400-1500 रुपये का है तो बिना बात पैसों को बड़े बात नहीं कौन चु है कि ना दगड़ियों कुछ दिनों के बाद हमारी जो खेती चा फूंगड़ा छन तो यहाँ में भी हॉल लगन स्टार्ट हो जाने के लिए पंचमी 14-15 तारीख को जो पंचमी के बाद हॉल लगन शुरू हो जाना। तो जो गोर छ ना आजकल कुछ नहीं है तो गोर इन्नी घाम तपनों खड़े पूंगड़ा मच्छी नहीं छुड़िया देखने वाला आप लोग। तो दोस्तों यहाँ से गांव की रौनक देखिए आप लोग तो यहाँ से हमारा आधा ही गांव दिखता है उधर की साइड नहीं दिखाई देता है छोटा सा गांव है वो देखिए आप लोग ना आज सभी गांव के लोग अपनी अपनी गायों को ठीक जंगल छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि जंगल में ना घास है और खेतों में अब घास नहीं रह रखा है। तो देखिए हम अपनी गायों को ठीक उन जंगलों में उन खेतों में छोड़ देंगे जो हमारे बंजर खेत है।
ठीक देखिए सामने बहुत अच्छी सी धूप खिल चुकी है और सामने देख सकते हो आप लोग भाई जी ले जा रहे हैं लकड़ियाँ, क्योंकि रलथम में कोई सर थे वो ख़त्म हो गए हैं तो उनके लिए लकड़ियाँ ले जा रहे हैं क्योंकि उनका अंतिम संस्कार है आज। और इधर दिखाऊंगा ना गांव, ये देखिए आप लोग गांव, मेरा प्यारा सा गाँव, और गाँव में आज रौनक है क्योंकि लोग आज कल बारिश के टाइम में घर ही हैं। तो अभी देख सकते हो आप लोग गाँव में चहल पहल, लोग काम कर रहे हैं अपने अपने। और यहाँ देखिए ठीक सामने हंस फाउंडेशन की गाड़ी आई हुई है दवाई देने के लिए, और वहाँ पर हमारी बुआ जी भी दवाई ले रही है। तो देखिए पूरा गांव कितना खूबसूरत लग रहा है, और देखिए ऊपर थोड़ा बहुत बादल लग चुके हैं। कागज पर से खूब ना दवाई रोज आना है। नाम क्या आपका? उसका बटन खुलता तुम्हारा सब। तुम्हारा नाम क्या? नाम क्या था? और जान के मैं आप लोग को तो अपना व्लॉग मत दिखाना कि फूफू थोड़ा तबीयत खराब था, आजकल बहुत कमजोर है। तो रेखा भाभी अगर मेरे व्लॉग देख ली तो फूफू की हालत देखा थोड़ा, तो भाभी याद करनी चाहिए तुम थे, भाभी याद करनी चाहिए रेखा भाभी परसी कब जान चंडीगढ़। यहाँ पर ना भाभी लोग ले जा रही हैं टाइल्स, क्योंकि हमारे जो धारा है पंदेरा है वहाँ लगेंगे आजकल टाइल्स। और ठीक सामने हंस फाउंडेशन की गाड़ी आई थी, डॉक्टर सभी को दवाई दे रहे हैं गांव वालों को। आजकल गांव गांव में हंस फाउंडेशन की गाड़ी आती है, तो महीने में दो दिन गाड़ी आती है और सभी को दवाई देती है, तो मैंने भी ले लिए हैं। गुराण लगी मेरा मैं तकी बोड़ी बोड़ी एग ऋतु ऋतु चेतकी ऋतु ऋतु चेतकी चखुला घोलू छोड़ी उड़ना होला चखुला घोलू छोड़ी उड़ना होला बिटुला मैं तकू पेटड़ा होला हो गुगुती गुराण लगी मेरा मैं तकी अरे बोड़ी बोड़ एग ऋतु ऋतु चेतकी ऋतु ऋतु चेतकी हो हाँ हाँ। लकड़ियों आजकल ना बहुत आफत आ जा रही है ना काम कर करके, तो आप मेरी हालत देख रहे होंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ माँ के साथ थोड़ा सा घास लेने के लिए ठीक जंगल में। तो जैसे कि आपको पता है लगातार 3-4 दिनों से बारिश हो रही थी पहाड़ों में, तो पहाड़ों में बारिश होने के बाद जैसे ही धूप निकली तो हम सब अपने अपने कामों में लग गए। ठीक जाना है मंदिर से ऊपर, ये है हमारा नागराजा देवता का मंदिर, और मुझे उससे ऊपर जाना है माँ के साथ घास लेने के लिए, यानी कि हरा घास बोले तो बांझ और सकिना और गिवराल ऐसा घास होता है जो हम गायों को देते हैं। तो अभी मेरी माँ कर रही है पत्थर जमा, क्योंकि आजकल घर में काम चल रहे ना, तो यहाँ पर माँ पत्थर जमा करी है क्योंकि मुझे रोड़ी फोड़ने के लिए पत्थर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अभी देखिए अब शाम के लगभग 4 बज चुके हैं, तो माँ ठीक सामने काट रही है खैने के पत्ते, देख सकते हो एकदम ऊपर से नीचे तक पूरी पहाड़ी है। अगर थोड़ा सा भी पैर फिसलेगा तो यहाँ से नीचे गिरने का डर भी है, यानी खतरा भी है। तो वहाँ माँ अभी घास काट रही है यानी खैना काट रही है, और मैं इधर के साइड खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। तो माँ काटेगी और फिर मैं वहाँ से लेके आऊँगा। फिर बाकी देखिए ना दूर दूर पहाड़ियों में फिर से बादल लग चुके हैं, देखिए ठीक गाँव के ऊपर भी बादल लगे हुए हैं। बाकी दोस्तों यहाँ से ना बेसल गाँव भी हल्का सा नज़र आ रहा है, देख सकते हो आप लोग ठीक सामने।